अभी देखिए, मैंने आपको जो प्रैक्टिकली समझाया कि इन ऑपरेटर क्या है, तो इन ऑपरेटर आप देखिए, इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लॉज। जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड 20 यहाँ पे बताया मैंने, इसी तरह से आप कहीं पे भी इन, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। व्हेन यू प्रोवाइड हियर इक्वल टू, आई मीन यहाँ पे आई विल टेल यहाँ पे कैसे करेंगे। इन ऑपरेटर का अगर आप यहाँ पे इक्वल टू के साथ लोगे तो ये यहाँ पे ये एरर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्हेन यू वांट कि लेफ्ट साइड एक वैल्यू है, राइट साइड मल्टीपल वैल्यूज है, तो आप यहाँ पर इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, 20, देन इट विल नॉट वर्क, क्योंकि आप जानते हैं इक्वल टू एक टाइम में एक ही वैल्यूज को इक्वल कर सकता, दो नहीं। तो अगर आपके पास यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, कोई भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, अगर आपने पाइथन भी सीखी होगी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, तो इसके लिए आप यहाँ पर इन का इस्तेमाल करेंगे, इन ऑपरेटर का। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इसके बगल में डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू आपने लिखा इन और उसके बाद लिखा 10, 20, 30, 40, देन इट विल टेक कि इनमें से, आई मीन ये जो इन ऑपरेटर है ये और कंडीशन है, आई मीन यहाँ पे आप लिखेंगे डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 और अगेन डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20 और अगेन आप लिखेंगे डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 40। तो यानी कि आप ये एक लाइन का कोड जो है, या तो आप इनका इस्तेमाल करें और ऐसे लिखें, या फिर इसी काम को आप चार लाइन में ऐसे कर सकते हैं जो मैंने ये बताया। तो दिस इज नथिंग बट द यूज ऑफ द इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर इज द एडवांस वर्जन ऑफ दिस रिलेशनल ऑपरेटर। ये इक्वल टू आपका रिलेशन, क्योंकि रिलेशन में हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड केवल एक ही वैल्यू को ले सकता है, एक से ज्यादा नहीं, लेफ्ट में एक और राइट में, तो कंपैरिजन होगा। बट अगर आप एक साथ कई वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं और इनमें से कोई और, आई एम नॉट टॉकिंग, इन हमेशा और लेता है, आई मीन और ऑपरेटर के इक्वलेंट है, ये एंड नहीं लगेगा। तो यहाँ पर यू कैन यूज हियर द इन ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ द इक्वल टू। नेक्स्ट यहाँ पर है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर, जैसे आप ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह आप बिटवीन ऑपरेटर को एडवांस ऑपरेटर में यूज कर सकते हो। तो बिटवीन के साथ आप यहाँ पर एंड भी काम करेगा। तो ये देखिए, बिटवीन ऑपरेटर इज इंक्लूसिव, बिगेन एंड एंड वैल्यूज आर इंक्लूडेड। तो आई मीन इसमें बिगेन, आई मीन अगर मैंने यहाँ पे लिखा था 2000 एंड 3000 के बीच की वैल्यूज, आई मीन 2000 से लेके 3000 के रेंज में जितने भी लोगों की सैलरी उनको डिस्प्ले कराओ, तो यहाँ पे क्या 2000 एंड 3000 भी इंक्लूडेड होगी। आई मीन आप ये नहीं कह सकते कि ग्रेटर देन 2000 एंड लेस देन 3000, इट विल नॉट टेक द बिटवीन ऑपरेटर, देन यू हैव टू यूज द नॉर्मल ऑपरेटर। तो इफ आई राइट हियर, देखो क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सेल, अब देखो यहाँ पर नॉट लगा लोगे, इसके पहले नॉट भी एक स्पेशल ऑपरेटर है, तो ये क्या होगा, इनके अलावा जो भी वैल्यूज होगी वो दिखा देगा, 1000 2000 के अलावा जितने भी लोग वो। और यहाँ पे मैंने लिखा सेल बिटवीन दीज टू रेंज, तो यानी 1000 एंड 2000 इंक्लूडेड होगा, साथ में इनके रेंज में जो आएगा वो भी होगा। तो दिस इज द यूज ऑफ द बिटवीन ऑपरेटर। अगर आप बिटवीन का यहाँ पर लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 एंड सेल लेस देन इक्वल टू 3000, तो दिस इज द इक्विवेलेंट टू दिस कंडीशन। आई मीन आपका जो ये बिटवीन होता है, तो बिटवीन इस इक्विवेलेंट का, आई मीन ग्रेटर और इक्वल टू को कंसीडर करेगा। नाउ इज ऑपरेटर, इज ऑपरेटर हमेशा नल के साथ ही यूज होगा, इज यूज विद द नल वैल्यूज। और इसके लिए सपोज करो कमीशन वाले कॉलम में कुछ वैल्यूज नल है और आप चाहते हो कि, देखना चाहते हो कि कितने लोगों की वैल्यूज नल है, तो आप लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर कमीशन इज नल। तो इस काम हमेशा नल के साथ ही काम करेगा। और आप दूसरा काम कर सकते हैं इज नॉट नल, तो जो लोग नल नहीं है उनके अलावा दिखा देगा, उसका रिवर्स फंक्शन। अभी ज्वाइन क्वेरी बाद में पढ़ेंगे। अब यहां पर दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, दैट इज द लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों ने डॉस में पढ़ा होगा, मेरे को सी में तो नहीं पता, हाँ सी में नहीं पढ़ते लाइक ऑपरेटर, या उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखते। तो देखो यहाँ पे लाइक ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं,
लाइक ऑपरेटर इज यूज टू वेयर क्लॉज, और दूसरी चीज क्या है, पैटर्न मैचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दो वाइल्ड कार्ड है आपके, दैट इज द, एक तो आपका ये परसेंटाइल सिंबल है, दूसरा ये आपका अंडरस्कोर है। जो परसेंटाइल सिंबल है ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को एट ए टाइम फिल्टर करता है। आई मीन अगर मल्टीपल कैरेक्टर मिसिंग है तो आप वहां पर परसेंटाइल का इस्तेमाल करोगे, और सिंगल पैटर्न मैच करना है तो आप अंडरस्कोर का, आई मीन जस्ट ये सिंबल यूज करोगे। इसको अभी प्रैक्टिकली मैं बताती हूँ कि कैसे। तो इसमें दो वाइल्ड कार्ड आएंगे, एक तो परसेंटाइल और दूसरा अंडरस्कोर। अगर आपको डॉस याद हो तो डॉस में दो वाइल्ड कार्ड होते थे, एक क्वेश्चन मार्क होता था और एक होता है आपका स्टार पैटर्न मैच। तो जिसने डॉस पढ़ी होगी उसको पता होगा, जो क्वेश्चन मार्क है वो सिंगल कैरेक्टर को पैटर्न में मैच कराता है, और जबकि स्टार जो होता है मल्टीपल। तो ये जो स्टार है वो यहाँ पर आपका परसेंटाइल की तरह काम करेगा, और जो अंडरस्कोर है वो आपका क्वेश्चन मार्क है। दोनों लैंग्वेजेस में आपका थोड़ा सा चेंज है, काम दोनों का वही है। वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, यहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट की जगह अभी जीयूआई फीचर आ गया, तो आप ये कर सकते हैं। तो पहले हम ये लाइक ऑपरेटर का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जितने अभी ऑपरेटर्स मैंने बताए हैं। अब देखें यहां पर मेरे को, अगर मेरे को यहां पर देखना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मैंने किया, और आप देखिए तो यहां पर हमारे पास इतने सारे एम्प्लॉय है, और यहां पे एक कमीशन कॉलम है जिसमें कुछ नल वैल्यूज भी हैं। जीरो इज आल्सो अ वैल्यू, इट्स नॉट द नल। तो यहाँ चार लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ कमीशन मिल रहा है, बाकियों को कुछ नहीं मिल रहा है। एंड यू वॉन्ट टू नो कि हमें केवल उनको देखना है जिनकी कमीशन नल है, तो आप यहां पे लिखेंगे वेयर कमीशन इज नल। नल के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप उसको कंपेयर। तो यहां पे कमीशन इक्वल टू नल नहीं लिख सकते। तो आप देखिए टोटल 10 रिकॉर्ड्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं को डिस्प्ले कर रहा है जिसकी कमीशन वैल्यू नल है। सपोज इफ आई राइट हियर इज की जगह यहां पर हम यहां पे इक्वल टू ले लें, तो ये क्या काम करेगा हम ये देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर कमीशन इक्वल टू नल, तो आप देखिए क्या बता रहा है, नो डेटा फाउंड, जबकि डेटा है यहाँ पर। अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमने इज के साथ काम किया, तो यहाँ पे ये आएगा। तो इट इज नॉट वर्किंग, नल के साथ आप इक्वल टू नहीं ले सकते। अब यहाँ पर इसी का उल्टा हम क्या लेंगे, कमीशन इज नॉट नल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों को डिस्प्ले कराओ जिसकी कमीशन नॉट नल, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू हो। तो आप देखिए टोटल चार रिकॉर्ड आएंगे जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो दिस इज द वे यू कैन डू, यहाँ पे इज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल हमने किया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइक ऑपरेटर। इसी तरह से आप बिटवीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट बिटवीन की तरह। जैसे मैंने आप लिखा वेयर सेल बिटवीन 2000 and 3000। तो आप देखिए यहां पे 2000 से 3000 में जितने इम्प्लॉय हैं उनकी वैल्यूज लिस्ट हो गई। अगर मैंने यहां पे लिखा सेल नॉट, नॉट अगर इसके पहले लगा दिया तो ये 2000 3000 को छोड़ के, आई मीन टोटल अभी 5 है, 14 में से 5 निकालोगे, 9 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना चाहिए अब। तो देखिए 9 रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पर, उन लोगों को ये डिस्प्ले कर रहा है जिनकी सैलरी 2 से 3 के बीच में नहीं है, बाकी सबको दिखा रहा है। तो दिस इज द वे यू कैन डू हियर। अभी इसी तरह से मैं यहाँ पे बोलूं सेल इन ऑपरेटर, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल इन, मैंने यहाँ पर इन का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप। तो आप देखिए यहाँ पे 2 रोज आ गए जिसमें, अब क्योंकि कारण क्या है, आपने अभी जब यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल किया तो 2000 से लेके 3000 के बीच में जितने एम्प्लॉय हैं सबको, क्योंकि वो 2000 से स्टार्ट करेगा, 2001 रुपीज से स्टार्ट करके 3000 रुपीज तक कंपैरिजन किया।
बट इन ऑपरेटर क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू को मैच कराता है, या तो वो 2000 वालों को ढूंढेगा या 3000 वालों को ढूंढेगा, इनके बीच की वैल्यूज को नहीं ढूंढेगा। इनके बीच की वैल्यूज के लिए आपको फिर वो बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इनमें आपने ये देखा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट पहले लगेगा, नॉट इन आपने यहाँ पे लगाया, तो 2000 और 3000 को छोड़ के बाकी सबको ये डिस्प्ले करा देगा। तो अब देखिए यहाँ पे 12 रिकॉर्ड्स आ गए, पहले 2 थे तो अभी 14 में से 2 गए, तो आपके 12 रिकॉर्ड्स आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2000 और 3000 वाली सैलरी डिस्प्ले नहीं हो रही है, बाकी सारी आ गई। तो नॉट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिना नॉट के ही आप करें, तो आपके पास नॉट रिक्वायर्ड है तो आप ये कर सकते हैं। तो दिस इज द इन ऑपरेटर हो गया, इज ऑपरेटर हो गया और बिटवीन हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर हमेशा हम पैटर्न मैचिंग के लिए करते हैं। सपोज अगर मैंने कहा डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग कैरेक्टर ए हो, बाकी कुछ भी हो, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक, ई नेम लाइक। अब यहां पे देखिए क्योंकि ये पैटर्न मैच कर रहे हो और आपका कैरेक्टर सिंबल होगा तो सिंगल कोट्स लगाओगे। स्टार्टिंग कैरेक्टर मैंने ए कैप्स में डाला क्योंकि यहाँ पे नाम जो है कैपिटल में स्टोर्ड है, ए लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे परसेंटाइल सिंबल डाल दिया। तो इसका मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टर ए हो, उसके बाद कुछ भी हो, तो आपने यहाँ सेमी कॉलन लगाया। देखिए यहाँ रन करके, तो देखिए यहाँ पे दो ऐसे लोग मिले जिनका स्टार्टिंग कैरेक्टर ए है और बाकी कुछ भी हो, कितना भी लंबा नाम होगा वो ले लेगा। इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि उन लोगों के डिस्प्ले करो जिसका एंडिंग कैरेक्टर ए है, हमें स्टार्टिंग नहीं पता, तो ए को लास्ट में रख दो आप उठा के। तो आप देखिए यहां परसेंटाइल लिखा फिर ए लिखा मैंने, अब रन करिए। एंडिंग विथ ए कोई भी नहीं मिला, इसे कोई भी नाम है ही नहीं, तो लेट्स सी देखते हैं कि यहां पे क्या नाम है जिसका एंडिंग कैरेक्टर यहां पर आ जाए। कुछ एस है यहां पर दिख रहा है, देखिए ए से कोई भी नाम नहीं है जो एंड हो रहा है, एस है तो एस ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। ए आई एम टेकिंग हियर एस, देन इट विल डिस्प्ले एंडिंग विथ एस। तो आप देखिए एस से 3 लोग एंड हो रहे हैं यहां पर। अब अगर मैं बोलूं उन लोगों को डिस्प्ले करो जिनके नाम का साइज ही एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर है, एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर है, तो इसका मतलब है कि मुझे परसेंटाइल नहीं लेना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 बार अंडरस्कोर लगाना होगा, ये जिनके नाम में केवल मैक्सिमम या एग्जैक्ट 4 कैरेक्टर्स ही अवेलेबल है। तो मैंने 4 बार अंडरस्कोर लगाया और यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले हो गया। तो ये देखिए 4 वर्ड के नाम है, किंग, फोर्ड, बार्ड। अब अगर मैं बोलूं उन लोगों को डिस्प्ले करो जिनका सेकंड कैरेक्टर क्या है, वो ओ है, तो देखो मैंने एक अंडरस्कोर लगाया, सिंगल हो गया। अब सेकंड कैरेक्टर क्या आना चाहिए, ओ होना चाहिए। अब उसके बाद मुझे नहीं पता है तो मैंने क्या लगा दिया, परसेंटाइल लगा दिया। तो आप देखिए यहां पर 2 लोग ऐसे हैं जिनका सेकंड कैरेक्टर ओ है और उसके बाद स्टार्टिंग कुछ भी हो क्योंकि मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, बट सेकंड कैरेक्टर ओ होना चाहिए, तो वो आ गया यहां पर और 2 लोग हैं यहां पर। ठीक है, इसी तरह से आप जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे सपोज जॉब है, मैंने यहां लिखा कि जॉब लाइक, अब मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग में क्या है एंडिंग में क्या है, बट ये है कि मुझे कहीं पर भी अगर जी मिल जाए परसेंटाइल इन बिटवीन, कहीं जी होना चाहिए जॉब में, कहीं जी हो तो वो डिस्प्ले करा दे। तो आप देखिए यहाँ पे 3 लोग ऐसे हैं जिनके जॉब में, आप देखिए यहाँ पे जी कहीं मिडिल में आया है, वो लास्ट से 3rd कैरेक्टर, स्टार्टिंग से 5वां कैरेक्टर है, कहीं पे भी हो बट उनके जॉब में आपका क्या है, जी आ जाए। तो ऐसे 3 लोग हैं जो मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनके जॉब के नाम में जी आ रहा है तो उसने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पर। तो दिस इज द वे यू कैन डू द पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग विद द लाइक ऑपरेटर। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं।
अब इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस बना के अभी एज ए असाइनमेंट इस मूडल पे डाल दूंगी, आप लोग प्रैक्टिस करना। तो ये था लाइक ऑपरेटर। अब जैसे सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया जॉब, नॉट लगा दिया यहाँ पर, ये तो लाइक हुआ, नॉट लाइक दिस जो पैटर्न हमने दिया, तो इसके अलावा जो भी होगा वो सब आ जाएंगे। आई मीन अभी देख रहे थे आप, दो लोग आ रहे थे, तीन लोग आ रहे थे सॉरी अभी, और यहाँ पे आप देखो 14 में से तीन निकल गए तो 11 आ गए, तो जो इनके अलावा है वो सारे नॉट में आ जाएगा। तो आप नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, विदाउट नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या पैटर्न यहाँ पर मैच करा रहे हैं। तो इसमें आपने देखा कि जितने भी एडवांस रिलेशनल ऑपरेटर थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अभी दो और, एक एनी है और एक ऑल है, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।